चंद्रमोहन, आप देख रहे हैं बीपीएन 24 हरियाणा लाइव से। और जैसा कि हरियाणा के अंदर नज़दीक रह गए हैं, दिन कुछ ही समय रह चुका है विधानसभा चुनाव के, 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। और आज आदमपुर विधानसभा का गांव है असरावां, उसके लिए हम निकले हुए हैं, क्योंकि वहाँ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह बेणीवाल हैं जो असरावां से बिलोंग करते हैं। और आदमपुर में बीजेपी से हैं भव्य बिश्नोई, जिनका 56 सालों में इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी उस परिवार ने हार का सामना नहीं किया है। लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अंदर टक्कर देखने को मिल रही है। तो हम अभी निकले हुए हैं असरावां और आदमपुर विधानसभा के जो जो गांव हैं जिनके अंदर जिनका अच्छा होल्ड है, वहां पे हम जो भी मतदाता हैं उनसे मिलेंगे और इनके बारे में विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि आदमपुर विधानसभा में पहले भव्य बिश्नोई यानी कि बिश्नोई परिवार के सामने कोई टक्कर नहीं था। इस बार जनता जनार्दन में हम लोग निकले हुए थे तो सुनने को मिला था कि यहाँ पे टक्कर मिल रही है कांग्रेस से। और आज जनता से जानेंगे भी टक्कर मिलने का मेन मुख्य कारण क्या रहा और कहाँ पे बिश्नोई परिवार जो भव्य है, हमारे कुलदीप बिश्नोई जी हैं, तो क्या कारण रहे हैं जो लोग कह रहे हैं भी इस बार टक्कर बनी हुई है और आमने सामने की टक्कर है। तो आज शुरुआत करते हैं हम इसी गांव से। जैसा कि हमने बताया था कि गांव असरावां में हम पहुंच चुके हैं, तो यहां के अंदर जो असरावां गांव है एक ऐतिहासिक गांव रहा है, क्योंकि यहां पे जब श्रवण कुमार जो हमारे माता पिता के जो भगत थे श्रवण कुमार, जो चार धाम की यात्रा कर रहे थे, उस टाइम इस गाँव के अंदर उन्होंने यहाँ पर रुके थे, तो इसलिए ये गाँव ऐतिहासिक रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भूपेंद्र सिंह जो बेणीवाल हैं आम आदमी पार्टी से, वो यहाँ के जो आदमपुर विधानसभा से अपने उम्मीदवार हैं, और साथ में इन गाँव के जो कुछ बुजुर्ग साथी हैं जो बैठे हैं, इनसे मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि यहाँ का क्या माहौल है चुनावी। तो चलते हैं, आ जाओ। तो जैसा कि आपने पता है विधानसभा के चुनाव अपने आदमपुर हल्के में शुरू हो चुके हैं, और आदमपुर में जिस तरह अपने गांव से भूपेंद्र सिंह बेणीवाल हैं, और आदमपुर में जो भाजपा से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई हैं, और कांग्रेस से चंद्र प्रकाश है, तो अपना गांव है, तो आपको क्या लग रहा है अभी अपने एरिया में, अपने गाँव में क्या माहौल है? हमारे गाँव में तो माहौल जी इंगोई है, अपने बिश्नोई जी का, बहुत अच्छी बात है। और मारा है तो कदे आज तीन 56 साल में चौधरी बनलाल जी सड़े रहने लग गया नहीं, जब आज तीन हार गमू कौन देखियो मेरे का ना, ना, बिल्कुल जी, देखो बात है बतानी चाहिए आपने है। अभी ठीक है गांव को लड़को भूपेंद्र सिंह वोट तो इंगा आई पर बितना आई नहीं बिंगा बेस्ता को नहीं। तो जी अभी हम कई गांव के अंदर दौरा कर चुके हैं, तो भव्य बिश्नोई के बारे में कुछ लोग कटाक्ष ये बोल रहे हैं अभी 800 करोड़। तो आपने मतलब एक जातिवाद ना हटके ना अपना एक बातचीत करा, मान लीजिए जिस तरह भी 800 करोड़ ना भूलना, फिर भी अपना इन लोगों के साथ ऐसा क्या संपर्क है जो भी अपने हम इनको साथ जुड़े हुए हैं? महाराज जी, महाराज जी बूढ़ा इनके साथ रहा। अच्छा जी। तो मना ही कर गया, हमारे बूढ़े के फोटो लग रहा है चौधरी बनलाल जी का, वे कहे जी इनको भूलना नहीं है, जब तक चाहे इनका परिवार जिंदाबाद है तो आपने जिंदाबाद रहना है। बाकी तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। अभी जो मतलब चंद्र प्रकाश जी हैं ये भी बता रहे हैं अभी भव्य बिश्नोई के जो इनके परिवार हैं, इनके पहले मतलब इनके साथ में ही रहते थे, लेकिन अभी इन्होंने चौधरी और बाकी वो आएगी भी नहीं पूछो, नहीं नहीं पूछो। तो जी अपना मान लो आदमपुर विधानसभा के अंदर अब चुनाव का माहौल एकदम सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, और आपके गांव से भूपेंद्र बेणीवाल जी भी हैं, और वैसे आदमपुर के अंदर जो दो टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, जैसे कांग्रेस में और बीजेपी में, तो अपना विचार क्या कहता है आदमपुर हल्के को लेकर, मतलब अपना क्या विचार है उनको? भव्य बिश्नोई है। चलो ठीक है जी, तो भव्य बिश्नोई के बारे में अभी हम 3-4 गांव पहले भी दौरा कर चुके हैं, तो उनके बारे में लोग मतलब तरह तरह के अपवाद दे रहे हैं भाई, ये लोग तो मतलब चुनाव बाद में दिखे ही को नहीं जी, माना है दूसरी सुनो मेरी भी सुनो, मतलब लोगों का विचार बता रहे हैं जी, मैं मेरे कन्नों तो जोड़ रही को नहीं, दूसरी मान ले कह रहे हैं भाई 800 करोड़ इन्होंने मतलब बताए हैं लेकिन लोगों को दिख नहीं रहे, तो उसके बारे में अपना क्या विचार है? वो दिखने लग रोड बनने लग रहा, ठीक है जी, मान लो मकान बना वहाँ तो फर्श पे ली छात हुई, छात पहले बने तो छात लगेगी, फर्श तो बनना है जो 10 फुट नीचे काम चलने लग रहा है, तो वो काम चल रहा है, पहले तो ये दुष्यंत था और ये के नाम था तेरे, अरे
वो बिजली मंत्री रणजीत चौटाले आए अड़ाया कि टांग पे बिंगा टेंडर कौन छुटने दिया और आगे जानते टेंडर छूट गया सारा रोड बनने लग रहा भैया जो मान ले परिवार के खिलाफ ही वोट देना बने तड़के कांग्रेस में बूझी नहीं तो उन्हें बीजेपी का नहीं आजी ए बीजेपी कांग्रेस का नहीं बूझा और एक तरफी जीत है कम से कम 35-40 हज़ार की लीड है और काम घणो होने लग रही और आगे भी होगा। तो अपना सरावा गांव मतलब भव्य बिश्नोई जी के साथ पूरा समर्थन दे रहा है और मतलब अच्छे सिस्टम मतलब माहौल है यहाँ पे। तो क्योंकि हम पीछे मतलब लोगों की एक दूसरे के अपवाद सुन रहे हैं क्योंकि अपवाद हर जगह चलेंगे क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। और बाकी अपना मतलब भूपेंद्र बेनीवाल जी का कोई माहौल इधर नहीं ठीक है जी। भूपेंद्र जी आए पहला कैंडिडेट है ठीक है जो इसके चाचा जी वो चेयरमैन थे एसएस बोर्ड के पहले और इन्होंने काम अच्छा किया हुआ है लेकिन इनके हिस्से इनके आएंगे वोट ऐसी बात नहीं है नहीं आएंगे लेकिन रुझाना था इनका भी जो हमारे तो काम का है ठीक है गाऊंगा मालूम गांव की तरफ होना चाहिए लेकिन हिसाब से ठीक है ये भी सबसे मिलनसार बंदे हैं बढ़िया है। अभी चंद्र प्रकाश आए थे परसों आदमपुर ठीक है इन्होंने कहा था क्योंकि ये तो बजनाल का बनाया हुआ है बजनाल में इसका आईपीएस ऑफिसर कहा था। अब ये जो नहीं जो बजनाल ने बनाए नहीं वो बजनाल के सामने हो रहे हैं लेकिन चंद्र प्रकाश ने कहा था भाई फूल को मजबूत रखना ये पहले बात हुई थी एक बार बाई इलेक्शन था जब चौधरी बजनलाल नहीं चलाया चश्मा लगा के अभी चश्मा लेने थोड़ा ढंगूर आ गयो फिर चौधरी भजनलाल को खंभा को निशान आयो ठीक है जी। उस टाइम में चुटाला साहब बोले बूढ़ो आदमी है खंभा पर चढ़ाई दियो तो हाउल उतारियो तो अंगा तो आपसे इशारा ही हो है काल चंद्र प्रकाश सीधो कह गयो बोल जी फूल ने मजबूत राखियो पानी को छांटो मार बढ़िया राखनो फूल है अच्छी तरह फूल का नहीं ध्यान राखियो तो इशारो ही बहुत है सारा मिली भगत एक है अच्छा वोटा हूँ जिताई मंडी आदमपुर है जयप्रकाश यदि इनके खिलाफ नहीं बोले और मायावती 25 तारीख को इनके पास आई जाएगी ये भी चल रहा है कांग्रेस में तो फूट मारा है क्योंकि कह रहे हैं भी हुड्डा सरकार लेने की कह रहे हैं मतलब अपना आदमपुर हल्के के अंदर या पूरा हरियाणा बोल रहे हैं हुड्डा सरकार तो आपको हुड्डा सरकार ने ले गया आप कितना संतुष्ट हो मान लो की संतुष्ट को नहीं अभी बीजेपी सरकार 10 साल आई है नहीं इनमें घाटो को नहीं है अच्छा तो छोरा ला गया बढ़िया बिना खर्ची जी छोरा का नंबर अच्छा नहीं वह ला गया है हुड्डा टाइम में तो भैया चौधरी यानी कोई 10 लाख कोई 20 लाख में ला गया करता और अभी बाह है कोनी गरीब तपकेगा एन गरीब गरवा पर चाची ने उजगाड़ कोनी वह छोरा लगे कालरोड में छोरा लगे 4 एकड़ जमीन दो एस टी एम लागो खुद हैं चो आपने के नाम है मोदी जी की देन है भाई कोई खर्ची कोई पर्ची। तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं भाई हमारे साथ ही एक तो ये पोर्टल बंद कर देंगे जितने भी सरकारी स्कीम्स के जो पोर्टल चल रहे हैं पीपी पाए जो कार्ड होते हैं जो पहचान पत्र वाले उनके भी जितने भी सरकारी पोर्टल हैं ये बंद करेंगे भाई उड़े ही सरकार आई तो वो कही किंगो करी कह रहे हैं कह रहा हूँ मैं कही दूँ करूँ मेरे पल्ले की उनमें क्या करूँ चलो भाई पावर आई तो की करी अभी 49 सीटा की पक्की है बीजेपी वाला की और एक तरफ माहौल है मोदी जी जिंदाबाद और आगे वो तेरा के नाम अभी नाम कौन आवांगा नायब सैनी मुख्यमंत्री अरे ने शैलजा ने अभी बनाई सारी ऑफर दे दी 25 तारीख की आज ही उन्हें और मोदी जी की रैली है नहीं एक सिस्टम सारा एक पाए एक तरफ माहौल हो 28 तारीख को हिसार के अंदर मोदी जी की रैली भी बता रहे हैं भी होएगी मतलब वहाँ पे तो आप रैली के अंदर पहुंचोगे वहाँ सब लेडीज बच्चे सब जाएंगे शिगरी आसाल वासाली पूरी चाली फुल बढ़िया प्रोग्राम है 400-450 आदमी और लुगाई पता ही हमारे गांव से जाएगी जी अपने यहाँ से सरावा तो आपके गांव के साथ ही लगता हुआ गांव जगान है तो उस जगान के अंदर भी क्या माहौल है यहाँ जगान में तो बहुत बढ़िया है आज की मैं बता रहा हूँ ताजा सर्वे बहुत बढ़िया है काजला परिवार ने सब ने मिलकर भैया विष्णु का स्वागत किया है 3-4 जगह प्रोग्राम था लेकिन वो पहले बात थोड़ी उसमें थी अब वो गाँव के आपसे हो जाते हैं लेकिन उन्होंने भैया विष्णु को समर्थन दे दिया सबने। अच्छा भव्य बिश्नोई जी का यहाँ पे बढ़िया काली राउंड है जो अपने इधर आसपास में तो वहाँ पे भी सिस्टम बहुत बढ़िया जी भव्य का काली राउंड में पूरे आदमी बोले बढ़िया सिस्टम है कहने को तो मेरे का उरा बेटा की टप्पर मारा है इस परिवार को 56 साल तो हो गए और आगे चलते नहीं मारद भाई बोल हुकना अब का एक मुंह पठो इब का मार के बता इब का बता 18 साल में तो हारिया को नहीं अंग ऊपर लगी देन है और अभी भी अच्छा वोटा हूँ जीता 56 साल में कोई कैंडिडेट आया नहीं सागी टिकट कौन ली नए भेज दे बजनलाल जी भेज रहे हैं क्या भेजा और पार्टी तो काफी टाइम से जोर लगा रही है 56 साल से ए वैद्य जगह बताई गई है भी इसका कोई भेद नहीं पार लगा पाया अभी तक
आई साल नुआ कसम बनाओगे अगली साल चूड़ी फेंक कर अगला पार अगला चूड़ी फेंक कर पार नुआ कसम आए कैंडिडेट नई नई आई योजना में अभी पहली हो बी पहली हो नया नया लिया चुन गए अरबा चूड़ी फोरी पार वोटा ताई दी की फिर कोनी अभी जयप्रकाश ये मंडी यादों पर कुछ नहीं बोले उन्होंने यही कहा था तो पीछे टिकट वितरण से पहले कुछ ये भी सुनने को मिला था भी ये जो यहाँ पे जो कैंडिडेट आएगा वो कुलदीप बिश्नोई भेज रहा है यहाँ पे आपका उसके बारे में क्या विचार? अरे तो हगड़ी आंगी मिली पर हगड़े हिसाब भी बांटी है अभी वो नलवाली टिकट ही संपतो भी टिकट को दावेदार है अमित मान मान अभी मान आयो है तो सारी अभी ने तो रणधीर पे नाने कटानी है बतो और अब है कटानी है फतेहवाद वाली दूड़े की पक्की है तो आपकी मर्जी मंडी है सारी सब की नीचे एक बात है सरकार बीजेपी की बनानी है उड़ा नागिन ठोकनो है ना चुटा लाला भी ना आई सारा आगे उड्डा पर कटे उड्डो और दोनों बाव बेटो का मैं शेर बना लेकिन शैलजा ने पैकाल शैलजा ने मुख्यमंत्री ठाई गए नहीं शैलजा ने बनाओ को शैलजा 25 तारीख की भी हार ना लिया उन्हें क्योंकि शैलजा भी बता रहे हैं अभी इनसे दो फाड़ हो चुके हैं अभी तक डेरी बाबरी चुप बैठी है क्योंकि यहाँ पे जो दलित समाज है उनका मतलब बहुत बहिष्कार हुआ है मतलब क्योंकि बहिष्कार का मतलब ये कि जो उड्डा परिवार है वो मतलब किसी को आगे देने नहीं आने देने की कोशिश कर रहा है बाऊ बेटो आपकी चलाने की कोशिश कर रहा है चालन कौन दे दलित परिवार का सारा भाई सब बीजेपी सरकार राजी है अच्छा दो दो हजार खाते में भी शव है अच्छा आधार कार्ड पर मिले और तो और है अरे रांडी लुगाइयां तो दुनिया पेंशन दे ए रांडा आदमी उन पेंशन देने लग रहे हैं विदुर पेंशन योजना है जो मतलब इसके अंदर हरियाणा सरकार ने जो लागू की है विदुर पेंशन योजना 40 साल को जो बिना प्रनाइड है विधवा लुगाई तो दुनिया दे है रांडा आदमी पेंशन दे और बड़े के है क्यों मोदी रांडो खटरी रांडो हो आई देखियो नहीं भाई ठीक है रांडा की कोई सुने तो आई सुनिए भाई क्योंकि हरियाणा के अंदर 10 साल हुड्डा सरकार ने भी राज किया था तो उस टाइम इधर आदमपुर की तरफ कोई विकास कार्य नहीं था आयो ही को नहीं की कौन दे क्यों हगली चौधरी बजलाल की देना सारा पहली बजलाल बना गए हो और अभी है बीजेपी सरकार में एक टंकी और बनी मारवा ट्रक की अरे सारा रोड बनने लग रहा है कम से कम 100 किला का खाल बन गया खेतों में और अभी और भी बनने लग रहा है लाइट में काम चलने लग रहा है सारी काम चलने लग रहा है रोड सारा भव्य बन रहा है ये सारे रोड वगैरह भव्य बिश्नोई मतलब तो जैसा कि हमने हम असरावा गांव के अंदर मिले हैं कुछ मतलब बुजुर्ग साथी और भाई बंधु मिले हैं अपने से तो उन्होंने जो भी बताया है तो भव्य का अच्छा माहौल है यहाँ पे तो आगे मिलते हैं और भाइयों से मिलो जी तो इनसे बातचीत करें हाँ मैं भाइयों करो हाँ ताऊ जी राम राम ये बात है ते बोट कौन था रहा बोट है तो बोट है फिर किन देगा फिर बोट भव्य नहीं दे और किन दे ये भव्य ने बोट देगा तो फिर बताना अपन की शर्म है तो ना शर्म क्यों ये था तो फिर आपने मतलब ठीक है सिस्टम माहौल यहाँ पे कोई दिक्कत को नहीं चलिए यहाँ पे हम जितने भाई बंधु थे उनसे मुलाकात हुई और अब मिलते हैं गांव के अंदर और लोगों से भी और अगला गांव जगाण है उनसे भी मुलाकात करेंगे यहाँ का क्या माहौल बनता है तो ये हमारे भाई साहब हैं हम पहुँचे मेडिकल है जो असरावा गांव के अंदर तो ये हमारे मेडिकल वाले भाई हैं तो इनसे पूछेंगे भी आदमपुर विधानसभा के अंदर जो चुनाव है उस एंसर पे हैं 10 दिन रहे हैं तो अपना क्या लग रहा है यहाँ पे किसका माहौल ज़्यादा फिलहाल जी फाइट चल रही है ज़बरदस्त फाइट है तो फिर फाइट में कौन है जी अपने जिस तरह आपके गांव से भी हैं बेनीवाल हैं और भूपेंद्र बेनीवाल है जो भव्य बिश्नोई है और एक और है जो चंद्र प्रकाश जानता ही नहीं है जी यहाँ पे भाई भूपेंद्र और भव्य बिश्नोई की डायरेक्ट फाइट हो रही है अच्छा यहाँ पे मतलब दोनों में फाइट चल रही है जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर हाँ जी तो आपकी क्या लग रहा है इस बार कौन मतलब आपको आगे कौन लग रहा है नहीं जीतेगा तो भव्य लेकिन फाइट में हमारे जीतेगा भव्य मतलब आपको फाइट में है तो अपना ताऊ जी क्या विचार है इसमें दोनों बराबर ही है गांव में तो अच्छा दोनों गांव के अंदर आपके बराबरी चल रहे हैं चलिए तो इस बार आपको क्या लग रहा है पूरे हरियाणा के अंदर कौन सी जो सरकार बनाएगी कौन सी गवर्नमेंट सुनने में आवे भाई कांग्रेस की बीजेपी की टक्कर है अच्छा जी चांस बीजेपी का ज्यादा है अच्छा तो बीजेपी ने आप मतलब किस तरह लेके संतुष्ट हो बीजेपी के क्या कार्य ऐसे लग रहे हैं आप जो इसको लेके आप इतने मतलब संतुष्ट हो बीजेपी में इस तरह है पैसा टक्को लेनो लेनो कौन पड़े नौकरी लग गया तो सीधा ही टाबर सीधा ही भर्ती हो गया अच्छा, भर्ती मतलब लड़के हैं वो जो सीधे लग रहे हैं कोई पैसा वैसा नहीं लगेता इसके अंदर है हाँ तो वो कह रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि मतलब नीराई फ्रॉड करने लग रहे हैं ना फ्रॉड कौन है अभी कांग्रेस का तो एक किसान नेता वो घोषणा करी बोले 50 वोट दे और एक सरकारी नौकरी तो फिर सरकारी जो बेरोजगारी है वो तो कम से कम 20 लाख है हरियाणा के अंदर ही हाँ तो बस अभी 50 वोटा पर एक सरकारी नौकरी दे जितना बाकी क्यों करोगे बताओ तो नौकरियां बता रहे हैं सारी 2 लाख है हाँ तो बताओ अभी क्यों करोगे तो आपके गांव के अंदर कितने अभी लड़के जो सरकारी नौकरी लगे हैं अभी 3 बच्चा तो भी लग गया 5-4 दिनांक मई में अच्छा हाँ और पहले भी लग गया अपने जाट बिरादरी है हमें भी लग गया अच्छा हाँ
डायरेक्ट लग गया पुलिस में। इसके अंदर जो एससी वर्ग है, जो एससी बीसी वाले जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो मतलब इसका मतलब वो बिना पैसे लग जाते हैं? हाँ, बिना पैसे सब लगे, किसी 36 बिरादरी का लगे। हाँ, आर्मी में लगा ना, वो एससी कास्ट से है जी, तो आर्मी में पैसा वैसा भी लगा था क्या उनका? नहीं, कुछ नहीं लगा जी, बिना खर्चे बिना बिना खर्चे बिना। हाँ जी, तो इसका मतलब आदमपुर से आप भव्य बिश्नोई को मान रहे हो, भी आगे चल रहे हैं और जीतने के आसार हैं उनके? पूरे पूरे चांस है जी। तो हरियाणा के अंदर आप बीजेपी सरकार बना रहे हो? हाँ जी, बीजेपी चांस पूरे पूरे बीजेपी है फिलहाल, कांग्रेस टक्कर। आप बीजेपी को लेकर संतुष्ट हो? हाँ जी बिल्कुल है जी। ठीक है जी, अपना जी वैसे क्या मतलब रुझान है सरकार को लेकर, मतलब आदमपुर हल्के में? भूपेंद्र का है जी, भूपेंद्र बेणीवाल का जी। अच्छा, तो मतलब भूपेंद्र बेणीवाल अपने गाँव के अंदर जैसे क्या मतलब कितने टाइम से सक्रिय है राजनीति के अंदर अपने यहाँ पे? ये 20 सालों से जी। 20 सालों से ही सक्रिय हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो आदमपुर हल्के के अंदर मतलब आप जो भी इनके जो बीजेपी सरकार जो काम करवा रही है, तो उनको लेकर आप कितना संतुष्ट हो? ये बीजेपी तो जी काम कम ही करे हैं, जमींदार के बारे में तो कोई काम हुआ नहीं। तो आपका मतलब बताओ जी सर, जमींदार के बारे में मतलब क्या नहीं करे, मतलब अपने को क्या लग रहा है हम उस चीज़ से अभी तक वंचित रह रहे हैं? खाड़ा नाड़ा मारेगा मतलब बने जी, कोई सड़क मारा कोई पक्का कौन जी। अच्छा, टूटी है सारे सामने है। अच्छा, जो सड़कें ये तो कह रहे हैं इनका रिपेयरिंग और उनका काम चल रहा है तभी तोड़ रखी है इनको। रिपेयरिंग तो देखा जी आपने, तोड़ नहीं रखी, रिपेयरिंग कहाँ है, ये तो पहले की पुरानी है। मतलब पहले से पुरानी सड़कें हैं ये, मतलब जो इनको अभी तक कोई काम नहीं हुआ अपना। चलिए कोई बात नहीं, चलिए इनसे मिले हैं हम भूपेंद्र बेणीवाल के गाँव से, असरावा से हैं। तो हम मिलते हैं अगले जो भी मतदाता रहेंगे हमारे, क्योंकि ये है एक चुनावी त्यौहार। हम हरियाणावासी क्या है ना, जो विधानसभा चुनाव को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं पूरा, और जश्न के साथ मनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतदाता, मतदाता का मतलब होता है मत अपना है, दाता मतलब हम देंगे जिसको। तो ये हमारे हरियाणा के अंदर क्या है ना, हम लोग जैसे छाएँ के अंदर बैठ के गप्पे सप्पे अताई और ताश वगैरह खेलते रहते हैं। तो अभी हमारे जो माइत बुजुर्ग हैं, इनसे थोड़ा सा 2 मिनट का समय मांगा है और बातचीत करेंगे। असरावा गांव के अंदर ही हम तो पूछेंगे भी अपने विधानसभा आदमपुर के अंदर और हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल क्या है, इनके क्या विचार हैं। जैसे जो भी सच्चाई होगी हम आपको डायरेक्ट ही दिखाएंगे, ऐसा नहीं है हमारे साथ में कोई तोड़ मरोड़ की कोई भी भावनाएं नहीं है। तो राम राम ताऊ जी। तो अपना आदमपुर विधानसभा के अंदर था नहीं बतो 5 तारीख ना चुनाव होना है अपना, तो अपना भी विधानसभा चुनाव ने ले गए ना, अभी आप किस पार्टी में और किसका माहौल देखने को मिल रहा है, तो अपने अपने थोड़ा सा विचार बता दो। तो जैसे हमारे दर्शक हैं उनको हम दिखाएंगे आपके बारे में। कुलदीप को? अच्छा, कुलदीप में यानी कि भव्य बिश्नोई के बारे में। तो अपने गाँव के अंदर मतलब पूरा माहौल है, अच्छा पूरा। तो आप मतलब कह रहे हैं भी बीजेपी ने तो कुछ कराया ही नहीं है, तो आप कुलदीप को इतना समर्थन क्यों दे रहे हो, क्या कारण है इस चीज का? हमारे तो आदमी है मारो तो। अच्छा, देना पड़े चौधरी भजन लाल ने बहुत अच्छे काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए देखते हैं हम। तो यानी कि आप कुलदीप जी का चेहरे को अपना मतलब पूरा परिवार ही मानते हो, जैसे भजन लाल जी रहे हैं हमारे, तो वो अपने बीच में रहे हैं। पांच चार गांव है मान ले अपना पूरा। हाँ, ये हमारे जो बिश्नोइयों के गांव है ना, ये मान रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अब बीजेपी सरकार है जो हरियाणा के अंदर, एक तो बिना खर्चे बिना पर्ची वाला वो जो सिस्टम है भाई, नहीं पहले भी आपके गाँव में कोई लड़के जॉब वगैरह लगे ही होंगे इसके बारे में? मेरे गाँव में कई लड़के लगे हैं, ऐसी बात नहीं है, लड़के खूब लगे हैं मेरे गाँव में। अच्छा, तो अपना क्या विचार है जी थोड़ा सा? बढ़िया है जी। तो जी, क्या लग रहा है अपने को इस बार हरियाणा सरकार कौन बना रही है, किसका लग रहा है? सरकार का तो पता नहीं, हमारे आदमपुर से तो भव्य का अच्छा प्रोग्राम है, भव्य का माहौल है इस गांव के अंदर तकरीबन। हालांकि गांव का भूपेंद्र सिंह आम पार्टी जी खड़े है। हाँ हाँ, ये अपने परिवार के मानते हैं इनको। अच्छा अच्छा, क्या चलिए प्रधानमंत्री का भी रुचि है? हाँ जी हाँ जी, प्रधानमंत्री ना मोदी, मोदी में ज्यादा रुचि है। अच्छा अच्छा, आप मतलब मोदी के फैन हो, मोदी के विचारों के फैन हो, मोदी के विचार मतलब जो काम करे आप विदेशों में जा रहे हैं ना मोदी, मतलब अपनी जो पहचान है वो एक मतलब कितनी दुनिया लेवल पे है, ऐसा नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, मोदी के चलिए। तो अपना सर सब सारे गांव का ही एक ही है जी। अच्छा, एक तरफा भव्य है अपना इधर पूरा, चलो मतलब असराव गांव के अंदर पूरा, असराव गांव के अंदर जितने भी हैं मान के चलो आप,
चलिए हम यहाँ पे दोस्त अंकल ताऊ जी से बात की है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा माहौल है, और आगे मिलते हैं आप अगले कुछ लोगों से और मुलाकात करते हैं।